हुमायूं नगर पुलिस स्टेशन लिमिट्स के तहत मासब टैंक रोड पर मौजूद हजरत अब्बास आशुरखाने के पास सुबह की अव्वलीन सातों यानी फजर के औकात में एक खौफनाक सड़क हादसा पेश आया। एनी शाहिदीन ने बताया कि एक कार ड्राइवर ने दूसरी कार को ओवरटेक करने की कोशिश की, जिसके नतीजे में दोनों कारों और पीछे से आने वाली डीसीएम लॉरी के दरमियान भयानक तसादुम हो गया। डीसीएम लॉरी जिसमें तरकारी ले जाया जा रहा था आशुरखाने से टकरा गई, जिसके नतीजे में आशुरखाने के वजूखाने और बैतुल खला की दीवारें टूट गई और आशुरखाने को शदीद नुकसान पहुँचा है। राहत की बात तो यह है कि इस हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। वाज़ह रहे कि मुहर्रम के महीने में तमाम आशुरखानों में जलसे मुनक्किद किए जाते हैं। वहां के मुखामियों ने जल्द अज जल्द आशुरखाने की मरम्मत का मुतालबा किया। बाद अजां पुलिस ने मौके पर पहुंचकर क्रेन की मदद से लॉरी को वहां से हटाने के काम किए। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हुसैन है और ये मासब टैंक आशुरखाना है जो 1988 से है, उससे पहले से आशुरखाना है। तो हजरत अब्बास आशुरखाना है, यहाँ से सुबह में एक्सीडेंट हो गया। 4:30 बजे एक्सीडेंट हुआ। इधर एक कार वाला दूसरे कार को ओवरटेक करा, उतने में पीछे डीसी थी, उसमें पूरा वेजिटेबल भरे हुआ था। तो गाड़ी वाला उसको ओवरटेक कर देगी, उसके ऊपर गया कार के ऊपर से सीधा आशुरखाने के दीवार पे गिरा। गिर के पूरा अंदर नमाज पढ़ रहे, वो वजूखाना टॉयलेट हर वो पूरा डैमेज हो गया एरिया, आप देख सकते हैं पीछे पूरा एरिया डैमेज हो गया। ऐसा सीन हुआ सुबह। अब इसकी जिम्मेदारी पुलिस वाले, हम लोग बात करें पुलिस वालों से, ये सामान उठाने नहीं दे रहे थे। पहले तो ड्राइवर को जाने नहीं दे रहे थे, क्यों बोले तो ड्राइवर गया तो प्रॉब्लम होती बोल के फिर ड्राइवर को रुकाए, फिर ड्राइवर को भी जाए। अब ये सामान है, अब इसको जाने नहीं देते हम लोग, जब बनेगा जब ही जाने देंगे। अभी अंदर से पूरा सामान बाहर लोड होकर यहाँ रखेंगे, फिर लेबर को बुलाया मैं फ़ोन करके, लेबर आ रहे, लेबर पूरा काम करते, ए सी पी सर भी आ रहे, उन्हें भी आके देखते। इधर देखिए एक ही गाड़ी डीसी पलटी और दो कार डैमेज हुए, एक कार वाला भाग गया, दूसरी कार सामने रखी हुई है वो राइट साइड पे वर्ल्ड्स वैगन है, वो कार के तरफ से एक्सीडेंट हुआ एक्चुअली। ड्राइवर को जानी नुकसान कुछ नहीं हुआ, ऑल राइट है, उन्हों लेफ्ट साइड पे गिरी गाड़ी, उनको कुछ नहीं हुआ। हम लोग ही उनको मईश उनको तोड़ के बाहर निकाला। मेरा भाई ईसा है, उन्हों मेरे को फ़ोन करे ऐसा हो गया बोल के, होते कि मैं करंट में आया डीएलएफ से, आके उनको बाहर निकाला, ड्राइवर को बाहर निकाल के पूरा केस अभी क्लोज हुआ। अभी इंशाल्लाह मेरे को सिर्फ यही अपील है कि हमारी दीवार बन जाना, हमारा सब हो जाना काम। आशुरखाने में क्या क्या नुकसान हुआ? आशुरखाने में देखिए दीवार टूटी, फिर उसके बाद वहाँ पे जो वजू खाना था पूरा वजू खाना टूट गया, और जो लाइन से 3 टॉयलेट आए अंदर बने हुए, अब भी 1 महीना भी नहीं हुआ हम लोग बना के, वो भी पूरे वॉशरूम्स पूरे टूट गए। पूरा आशुरखाने का राइट साइड, अल्लाह का शुक्र है लोग नमाज पढ़ रहे थे अंदर, वो तरफ से नहीं आई, आगे आगे गिरी। वो फजर का टाइम था, फजर से 5 मिनट पहले ये इंसिडेंट हुआ। तो यही दरगाह है कि जल्द से जल्द काम हो जाना। बरसुम जुलूस भी हमारा खुसूसन 36-40 ईयर्स से हम लोग का जुलूस चल रहा। वो पुलिस से यही है कि हमारा काम हो जाना पूरा, हमारा आज शाम तक रेडी हो जाना, रिक्वेस्ट है, ये अपील है कि आज शाम तक सब रेडी हो जाना। ऑलरेडी मैं लेबर को बुला लिया, काम तो चलेगा, लेकिन पुलिस वालों से भी अपील है कि उन लोग भी ज़रा फोर्स करके तो